कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, व्यवस्था में जो कमी रही है यकीनन उस पर ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इसी को लेकर विपक्ष अब आक्रामक भी है। आप डिंपल यादव को सुन रहे थे जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो सरकार क्या मूकदर्शक बनी हुई थी, प्रशासन क्या सो रहा था, पहले से वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए जब हजारों की संख्या में प्रशासन से इजाजत ली गई थी कि वहां पर लोग जुटेंगे तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्यों नहीं किए गए, पुलिस टीम की चाहे बात हो चाहे मेडिकल टीम की बात हो, जब जरूरत पड़ी तो सब कुछ नदारद नजर आया और नतीजा किसने भुगता, आम आदमी ने नतीजा भुगता। मौत किसकी हुई, आम आदमी की मौत हुई। अभी तक बढ़ने वालों का आंकड़ा औपचारिक तौर पर जो 90 बताया जा रहा है, धीरे धीरे करके अब यह आंकड़ा और बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। जो चश्मदीद है वो खुद दावा कर रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं पहले से ही आपको बता रही हूं किस तरीके से मौत का आंकड़ा 100 के पार जाएगा। कोई तो बाकायदा रिपोर्टर किसी मीडिया हाउस का ग्राउंड पर मौजूद है, वो अपने सामने अस्पताल में जो शव बिखरे हुए हैं उनको गिन रहा है और उनकी गिनती करके बता रहा है कि ये 122 शव है जो मेरे सामने यहां पर पड़े हुए हैं। तो जरा आप सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही और ये कितना बड़ा हादसा जिसने उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस में हुए इस हादसे पर सदन में जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तो किस तरीके से अपनी बात रखी गई, सुनिए। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है, यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेक लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तो हाथरस में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, अपनी संवेदनाएं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों के साथ हैं, मृतकों के परिवार के लोगों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं और हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल घटनास्थल पर जा सकते हैं। हाथरस जाकर हालात का जायजा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। ये बदइंतजामी की तस्वीरें हैं और ये जो बदइंतजामी अव्यवस्था देखने के लिए मिली है ये भारी पड़ गई है सैकड़ों लोगों की जान पर। सैकड़ों परिवार जिन्हें जिंदगी भर के लिए ऐसे जख्म इस हादसे ने दे दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाए। अपनों को खोने का गम, अपनों से बिछड़ने का गम और अपना घर परिवार उजड़ने का गम, ये वो गम है, ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा और तकलीफ जो सत्संग में ये जो भगदड़ मची इस हादसे ने लोगों को दिए। और इस बीच जो अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से इस हादसे को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, बयान सुनाते हैं आपको। एक हाथरस के एडीएम का बयान है, ये अपडेट नहीं है, अपडेट बाद में बताया जा सकता, अभी कोई अपडेट नहीं है। हमने अभी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, अभी अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। कहां भेजा गया उनको? विभिन्न अस्पतालों में भेजा जाए, कुछ यहाँ पर है, अलीगढ़ है आज और एटा में भेजा जाए, जहाँ जहाँ कितनी बॉडी गई अभी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। हमें कुछ काम करने का मौका दीजिए आप लोग। सुन रहे हैं आप, हाथरस के एडीएम साहब हैं, कोई भी जानकारी देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी नहीं, बस यही कहते हुए वो सुनाई पड़ रहे हैं। और कुछ देर पहले हाथरस के जो डीएम हैं, नाम है आशीष पटेल, वो जब मीडिया के सामने आए थे तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी 50 से 60 मौत की वो पुष्टि कर गए थे कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड। और इसके बाद धीरे धीरे कर लगातार मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ता हुआ सामने आ रहा है।
90 तक लोगों की मौत हो चुकी है, यह आंकड़ा सामने आया है। इसकी पुष्टि भी कुछ आधिकारिक सूत्रों के हवाले से की जा रही है और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा सकता है। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से यह खबर आ रही है। और ये दो तस्वीरें जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूं, एक तरफ भगदड़ से पहले की तस्वीर, दूसरी तरफ भगदड़ के बाद की तस्वीर। भगदड़ के बाद की तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, तबाह हुआ नजर आ रहा है और इस तबाही के बीच लोग अपनों का सुराग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जो बिखरा हुआ सामान है उसमें ये वो लोग हैं शायद जो अपनों की तलाश में पहुंचे हैं, जिनके अपने बिछड़ गए हैं। और यहां जो भगदड़ में छूटा हुआ सामान बिखरा हुआ है उसको उलट पुलट कर देख रहे हैं कि शायद किसी अपने की कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई कड़ी यहां बिखरे इस सामान में मिल जाए और इनकी जिंदगी का कोई हिस्सा जुड़ जाए। लेकिन उसकी उम्मीद मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहां ये जो सामान बिखरा हुआ है ना, ये कमोबेश उन लोगों का है जो इस भगदड़ की चपेट में सबसे पहले आए, सबसे पहले जमीन पर गिरे और उसके बाद एक के बाद एक और लोग उनके ऊपर गिरते चले गए और इसी तरीके से नीचे दबते चले गए सैकड़ों लोग इस उमस और गर्मी के मौसम में। जरा सोचिए, जब किसी के ऊपर इतने किलो वजन गिरता चला जाए, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले जाएं, वो जो सबसे नीचे दबा हुआ शख्स होगा जिसमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, कैसे उनका दम निकला होगा, कैसे उनकी सांस घुटी होगी, कैसे एक एक सांस के लिए वो तड़पे होंगे और वहां घुट घुट कर उनकी जान निकली होगी। उसी की गवाही ये तस्वीरें जो भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें सब कुछ उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ भगदड़ से पहले की तस्वीर है, सत्संग की तस्वीर है, जिस तस्वीर में आपको सिर्फ और सिर्फ उमंग, उत्साह, भक्ति नजर आ रही है। तो इस वक्त एबीपी न्यूज पर शाम के 7 बज रहे हैं और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आपका चैनल एबीपी न्यूज पिछले 2 घंटे से लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई है, जहां सत्संग में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है जिसमें आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सैकड़े के पार जा सकता है मरने वालों का आंकड़ा। अभी तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एटा के अस्पताल में पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। हाथरस में सत्संग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ और सत्संग किसका चल रहा था, भोले बाबा नाम है उन संत का जिनका प्रवचन यहां चल रहा था। और ऐसे संत है ये कि बाकायदा ये पैंट सूट पहनकर, टाई लगाकर प्रवचन देते हैं, मंच पर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर ये प्रवचन देते हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला इलाका, वहां पर ये बहुत लोकप्रिय है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु इनको सुनने के लिए जाते हैं। इन्हीं का सत्संग था, हाथरस इलाके में सत्संग चल रहा था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आयोजकों ने ये व्यवस्था की थी कि जो आयोजन स्थल है उसमें भीतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों की है और पुलिस प्रशासन के पास जो आयोजन स्थल से बाहर का इलाका है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन आप जानते हैं जो चश्मदीद कैमरे के सामने आ रहे हैं उनमें गुस्सा इस बात का है कि बाहर की तरफ सड़क पर जाम लगा हुआ था, लोग अपनों को लेकर जो इस मिशन में कामयाब हुए कि किसी अपने को जो दब गया था, गिर गया था, उसको किसी तरीके से बाहर खींच कर ले आए, अपनी गोद में उठाकर उसे सड़क तक पहुंचे, तो वहां कोई इंतजाम नहीं था अपनों को अस्पताल तक लेकर जाने का। इसीलिए जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो कोई टेम्पो, जो किसी की गाड़ी वहां से उन्हें गुजरती हुई दिखी उसी में अपने को डालकर वो अस्पताल लेकर दौड़े और इसी क्रम में किस तरीके से एक के बाद एक जिंदगी खत्म होती चली गई उसी का ये ना थमने वाला सिलसिला आपके सामने है इन तस्वीरों के जरिए। देखिए किस तरीके से लोग अपनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, वही जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, गाड़ी में डालकर, टेम्पो में डालकर, किसी टेम्पो में एक साथ एक के ऊपर एक लोगों को लाद कर लेकर आ रहे हैं और ये धुंधली करके हम तस्वीरें जानबूझकर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी विचलित हो जाएगा। ये जो तस्वीर है ना, ये अस्पताल की तस्वीर है, अस्पताल की जमीन पर बाहर एक के बाद एक शव वहां पर। आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए
ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान। तो आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव को, जिनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब इतना बड़ा आयोजन हो जाता है और व्यवस्था के नाम पर सब कुछ जीरो शून्य नजर आता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।